तरीके का आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। ये पूरा जो है इसका लेदर आउटपुट है, कंपनी फिटेड लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टीयरिंग, ऐसा कुछ नहीं लग रहा आफ्टर मार्केट किया गया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। अब जो है इस गाड़ी के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आप गेस कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी हमारे पास आ चुकी है थंबनेल देखने के बाद। सो ये है हमारी स्कोडा की सलाविया, जो कि हमारी जो है डी सेगमेंट सेडान रहती है। और ये जो है पूरा इसके अंदर काम कंप्लीट किया गया, क्या यहाँ पे जो है पूरा का पूरा डुअल स्टिच के अंदर जो है स्टीयरिंग कवर पूरा इंस्टॉल किया गया। लेदर कौन सा है भाई ये वाला? ये लेदर ब्रिटिश लेदर ये है जो पूरे वाला हमने लगाया जो ऊपर। हाँ। बाकी नॉर्मल आते हैं मार्केट में वो चलते सस्ते चलते, लेकिन हमने इसके अंदर ब्रिटिश लेदर की है। ठीक है। और जिस क्वालिटी का हमने सीट को लगाया उस क्वालिटी का हमने क्रीम कलर में स्टीयरिंग का क्वालिटी दी है। ठीक है, तो ये देख पाओगे मैच करा है गाड़ी के सेम हिसाब से देख लो। ठीक है, ये इंटीरियर का कलर बिल्कुल डिटो सेम है, फ्लैश की वजह से थोड़ा सा ज्यादा चमक रहा है, बट आप यहाँ से देख पाओगे कि दोनों जो कलर है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्वालिटी वाइज बात करते हैं तो आप लोग यहाँ पे देख पाओगे कि पूरा नीचे से जो स्टीयरिंग का स्पेस है काफ़ी सुंदर दिया गया है। उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ से अगर आप पूरा डिटेल में देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से पूरी इंस्टॉलेशन यहाँ से की गई है, एग्जैक्टली जो फिटिंग है वो किस तरीके की आती है। अच्छा, इसमें स्टिचिंग जो है झिकझिक है इसके अंदर, जो हर गाड़ी के अंदर कोई सा गाड़ी काफी गाड़ी में आती है झिकझिक, जैसे सल्टोस हो गई, क्रेटा हो गई, तो उस हिसाब से गाड़ी में आते, तो वो वाले हमने डिजाइन करके दिए भी। ठीक है, तो इसमें जो है ज़िगज़ैग स्टिचिंग के साथ स्टिचिंग का कलर भी सेम रखा गया है जो अपना आता ही है इस वेरियंट के अंदर। ब्लैक पे आपको ज्यादा बेटर समझ आएगा कि ज़िगज़ैग स्टिचिंग किस तरीके की नजर आती है। इस तरीके का आप लोगों को स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। ये पूरा जो है इसका लेदर आउटपुट है, और ये आप देख पाओगे ये हमारा जो है स्टीयरिंग व्हील बहुत ज्यादा जो एलिगेंट, और एक कहते ना कि कंपनी फिटेड लग रहा है, बिल्कुल ओरिजिनल स्टीयरिंग, ऐसा कुछ नहीं लग रहा आफ्टर मार्केट किया गया। क्वालिटी वाइज आप लोग जज कर पाओगे किस तरीके का काम यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट चीज जो आती है हमारी, वो चीज आ जाती है कि इस पोर्शन पे अगर आप चाहो तो लेदर इंसर्ट कर सकते हो। बहुत एक जो माइनर सॉफ्ट टच होता है वो कंपनी ने यहाँ पे दिया है, तो आप इसको चाहो तो सॉफ्ट टच के अंदर ही अपना लेदर इंसर्ट के ऊपर करवा सकते हो कि पूरा जो इस पोर्शन के ऊपर है आपका पूरा जो है लेदर आ जाएगा पूरा का पूरा, और काफी बहुत ज्यादा बढ़िया लगेगा इसके ऊपर लेदर चढ़ने के बाद। ऊपर से इसका कलर भी मैच हो जाएगा, आपको ब्लैक करना है ब्लैक कर सकते हो, बेज कलर चाहिए बेज कलर में करवा सकते हो, प्लस एक एम्बियंट लाइट यहाँ पे बहुत ज्यादा एलिगेंट लगेगी, जो कि अल्ट्रा वाली आप चाहो तो लगवा सकते हो, वो भी बहुत बढ़िया एम्बियंट लाइट आजकल रनिंग के अंदर चल रही है वो चीज। प्लस इसमें अगर ये पैनल ग्लोसी इतना मेरे को मेजर लग नहीं रहा कि हाँ नीड लग रही है गाड़ी के अंदर, बट अगर आप चाहो तो वो चीज ऑप्शन में रहती है। इस साइड आते हैं भाई, इसमें भी जो है आप कलर इसका चेंज कर सकते थे। हाँ, इसमें भी कलर आप चॉइस है करवा सकते हो। अच्छा, तो उसका कितना खर्चा आ जाता है? वो 500-600 रुपए आता है, लेदर वाइज क्वालिटी भी है, लेकिन आपको अगर रनिंग करना तो 500-600 रुपए में खर्चा जाता है आपका। ठीक है, तो वो चीज अगर आप चाहो तो हो जाएगी। अगेन इस पे जो है इस पे नहीं चढ़ाया गया, इसका रीजन यही है जो लोग जो है इसमें स्क्रूज नहीं दिए हुए हैं ओपनली, वैसे इसमें चढ़ जाएगा उसके लिए वही चल जाएगा। हाँ। लेकिन हम नया गाड़ी इसलिए खोले नहीं, जो चीज हो सकता नहीं हो सकता। हाँ, वो चीज है, कर सकते हैं कर सकते हैं। तो इसमें चढ़ाने का वही तरीका है कि स्टिचिंग हो गई, स्टिचिंग करवाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा अंदर फंसा फंसा के वो चीज हो जाती है। तो मेजर जो है इस गाड़ी के अंदर सीट कवर का ही किया गया काम। हाँ, मेजर ज्यादा ध्यान दिया गया सीट का, मन पसंद था सीट का, तो भैया मैक्सिमम तो 3500 रुपए स्टार्ट है अपने पास। हाँ, तो मैंने सारा भैया को क्वालिटी दिखाया, लेकिन भैया को क्वालिटी यही समझ में आया 12,500 का सीट। ठीक है, एक बार उतर जाओ भाई, तो मैं आप लोगों को सीट कवर दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है अपनी व्हाइट कलर की स्टिचिंग दी गई है, या फिर आप सिल्वर कह सकते हो इस चीज को, साथ में अपना ब्लैक लेदर यहाँ पे दिया गया है, और बेज अपना अगेन इस साइड दिया गया है। सीट कवर का जो पूरा डिजाइन है, पहले आप लोगों को डिजाइन में पूरा दिखा देता हूँ, इस तरीके का डिजाइन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसमें अगर आप लाइनिंग की पाइपिंग की बात करेंगे, सो एक ब्लैक पोर्शन हमारा इस साइड से चलता है पूरा, एक जो है हमारा सेंटर पोर्शन के अंदर आ जाता है, साथ में एक जो है हमारा साइड पोर्शन के अंदर आ जाता है। अगर पूरा आप ओवरऑल देखोगे, सो इसमें साइड में भी जो है सिल्वर स्टिचिंग दी गई है पूरी, इधर भी पाइपिंग के साथ साथ जो है वो सिल्वर स्टिचिंग चलेगी, साथ में बीच वाला जो पूरा पोर्शन है ये बर्फी के अंदर दिया गया, सिटिंग पोर्शन के अंदर भी ये वाला भी। ये भैया का चॉइस था जो ऑनलाइन निकाले थे भैया का, जो ब्राउन कलर का था, भैया बोला मैं गाड़ी के इंटीरियर से चाहिए क्रीम कलर। ठीक है, इस हिसाब से भैया ने बोला ये बाकी कर दो, ये पाइपिंग लगा दो, मैं क्रीम चाहता हूं, बीच में डायमंड चाहता हूं। वो चीज हो गई है यहां पे, अच्छा लगा। और ये जो पाइपिंग एक बिल्कुल एज टू एज स्टार्ट होकर चल रही है ना, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। और पूरा जो है साइड मेजरली जो है वो ब्लैक रखी गई है, इसका रीजन यही रहता है, अगर इनकेस आप लोग यहाँ पे खाना रख के खा रहे हो, कुछ रख के खा रहे हो, या फिर यहाँ कुछ गिर रहा है, अगर ये लाइट कलर होगा ना बहुत जल्दी आप लोगों को नोटिस होगा, प्लस सफाई में बहुत मुश्किल है, हाथ नहीं जा पाता अंदर की साइड पे, तो इसीलिए जो है इसको हमने इस तरीके से साइड और बैक साइड जो है ब्लैक दी गई है। अब मैं नीचे आप लोगों को दिखा देता हूँ, इसमें 70 मैट्स इंस्टॉल करे गए हैं,
70 में ये है ब्लैक पे सिल्वर, इसमें और क्या ऑप्शन होते हैं? ब्लैक पे सिल्वर, ब्लैक पे गोल्डन, फुल ब्लैक सारे अवेलेबल होते हैं, और ब्लैक पे रेड, एक ब्लैक पे रेड, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन रहते हैं 70 के लिए आपके पास। 70 के अलावा भी एक दो मैट के ऑप्शन होते हैं, अगर आप वो चाहो तो यहाँ पे आके देख सकते हो, विजिट करने के बाद आप लोगों को दिखा दिए जाएंगे। साइड पे आ जाते हैं तो इसमें आप लोगों को 3 हेडरेस्ट देखने के लिए मिलेंगे, हेडरेस्ट की फिटिंग आप लोगों के सामने। डिजाइन जो है वो पूरा का पूरा सेम रहेगा। और इधर जो है हमारा आर्मरेस्ट आ जाता है, आर्मरेस्ट पे भी जो है आप लोगों को थोड़ा सा फोम क्लीनर नजर में आएगा, तो ये जो है क्लीनिंग के लिए यूज किया जाता है। इस तरफ जो है ये पुराना कुशन है, भैया के पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था ब्लैक कलर का, इस पे चाहो तो आप लेदर भी चढ़वा सकते हो अपने कुशन पे, या चाहो तो कुशन मिल जाएंगे, पूरे कुशन भी मिल जाएगा। अगर सेम डायमंड में करवाना है, इसी कलर में करवाना तो वो भी मिल जाएगा। कितने का? 1000 रुपए का सेट होगा। ठीक है, इधर मैं आप लोगों को सीट का एक बार पूरा आउटलुक दिखा देता हूँ कैसा आया। नीचे की साइड अगेन आप लोगों को 70 मैट नजर में आएंगे। बैक साइड पे जो है इसमें लास्ट चीज जो इंस्टॉल करी गई थी वो है हमारी ये टेल लाइट। टेल लाइट ओनली ब्रेक पे अपना चलेगी, उसके अलावा इसमें कोई फंक्शन नहीं दिया गया। एक तो RGB आती है जिसमें रिमोट से आप कलर चेंज कर सकते हो, एक आता है इंडिकेटर के साथ इधर इधर चलेगा और ब्रेक के साथ चलेगा, बट भैया ने सिर्फ ब्रेक के साथ कराया है, नो पार्किंग नो इंडिकेटर। एक बार और करना भैया, ये देखो तो भैया ने ओनली ब्रेक के साथ लिया, लग रही है ना जबरदस्त। और एक तो गाड़ी बहुत लंबी है, डी सेगमेंट सेडान है, और कार्बन फाइबर मिल जाएगा। ये वाला जो है ये कार्बन फाइबर में इंस्टॉल किया गया, ग्लॉसी भी आ जाएगा, अच्छा लगेगा। यस, ग्लॉसी मतलब डल पड़ जाते कुछ दिन बाद। अगर सेम काम करवाना चाहते हैं तो कहाँ सकते हैं? काउंटिंग का स्क्रॉल बार। ये हनुमान मूर्ति की एंट्री, आपका ये जो गोल चक्कर है ये एंट्री पॉइंट है आप लोगों के सामने, जहाँ रिक्शे वाले खड़े हैं। बस आपने हल्का सा आना है, इधर से आपने आते ही लेफ्ट साइड को मुड़ जाना है। अगर आप सीधे जाओगे तो आप गफार मार्केट चले जाओगे, इस बोर्ड से जस्ट नीचे आप लोगों को ये बोर्ड मिलेगा, और ये है आर एस माज रोड के बिल्कुल सामने आप लोगों को काउंटिंग कार्ड। विजिट करो, क्वालिटी देखो, सारी रेंज अपने पास, जो मार्केट में 3500-3500 का सीड कर मिल रहा है वो भी अवेलेबल है अपने पास, ठीक है। लेकिन उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अपनी क्वालिटी देखो, हम चीज कुछ अलग रखते हैं, ठीक है, वो चीज़ है भाई, क्वालिटी का। बाकी इसमें हेडलाइट में भी आप लोगों को हेलोजन ही नजर में आ रहा होगा, तो इसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। हमने इससे पहली वाली गाड़ी में चेंज किया था, एक में वो थी हमारी स्कोडा कुशाक, तो कुशाक के अंदर चेंज किया था, और इसमें भी सेम ही सेटअप है, एक अपना लोबी में, एक अपना हाईवे में, एक इंडिकेटर है। DRL कंपनी की साइड से आते हैं इसके अंदर, फॉग लाइट्स कंपनी की साइड से। यस, अगर IPH उसने आपको रनिंग में थोड़ा ज्यादा चल रहा है, उसमें कम है, तो आप IPH भी लगा सकते हैं, ये वाला मैं एक्स्ट्रा में लगवा लेंगे, ठीक है, वो चीज है। बाकी भैया लेट हो रहे हैं, भैया को करते हैं टाटा गुड बाय। भैया का रिव्यू लेना, बिल्कुल चलो। सो भैया आए थे हमारे पास, भैया दिल्ली से रहने वाले, एक बार नाम बताओ। शिवम जी आए थे, सुबह आए थे, काम भैया ने कराया, पूरा टाइम दिया, बिल्कुल। भैया हमारे पास आए थे, सारी क्वालिटी दिखा दी, क्वालिटी दिखाई नहीं, सारी बिल्कुल सारी क्वालिटी दिखाई, सारे समझाए, ये लेदर इतने का पड़ेगा, ये लेदर इतने, मार्केट तो बहुत सारी 5000 दुकान है, ये कैसा लगा दुकान जो आपको जो काम करवा दे? परफेक्ट, मतलब एक ही बारी में मतलब सोल्यूशन मिल गया, ना ढूंढना पड़ा ना कुछ, और जो चाहते थे वही मिल गया, तो उससे कहीं और जाने का नहीं। आपको सोचेगा जब इतनी महंगी गाड़ी तुम खुलवा रहे थे, नहीं आपका तो रिव्यू मैंने देखे, मैं वीडियो भी देखी थी, तो पता था मेरे को, पता है क्या होता है ना, सीट खोल देते हैं, स्लिप ना ना ना, नहीं नहीं लॉक खोल देते, वो चीज कैसा लगा? बहुत बहुत अच्छा था, बिल्कुल परफेक्ट था, बिल्कुल टाइम से, और सब चीजें बड़ी आराम आराम से करी गई है, ताकि कोई भी हबरा तबड़ी भी नहीं है, जल्दी। ये इतनी अच्छी गाड़ी है तो इसीलिए आराम आराम से किया जाता है, ये नहीं कोई जल्दी कर दो, बाकी नॉर्मली बढ़िया से काम करते हैं, ठीक है। रिकमेंडेशन भी है दोस्तों को, जरूर करना, सीट कवर देख के वैसे फैन हो जाने चाहिए, बहुत बढ़िया चढ़े हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताना सीट कवर्स आपको कैसे लगे भाई इस गाड़ी के, मतलब बहुत ही जबरदस्त है। ओके।